हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार का 15 महीने के कार्यकाल में जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ गिरा है, आज तक के इतिहास में मैं समझता हूं कि कभी नहीं गिरा है। इसलिए मैं आज इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो फिल्म की बात कह रहे हैं, अभी तो ट्रेलर है, राज्यसभा का चुनाव बहुमत होने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाए। हम तो 5 साल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, लेकिन यहाँ 14 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो मुख्यमंत्री की हालत बन गई, हमीरपुर जैसे जिले में जहाँ 5 विधानसभा है, 5 में से 3 विधानसभा के विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ झंडा बुलंद किया, भले ही सदस्यता कोई नहीं पड़ रही हो, विधानसभा की सदस्यता कोई है, वो चुनाव में जा रहे हैं, 2 तो चुनाव में भी हाल ही में जा रहे हैं और 1 के चुनाव होने की संभावना आने वाली, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर उसी के जिले में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ये भी मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ कि कम से कम इस बात को तो देखें, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हांकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले इस बात को भी देखना चाहिए कि अपने नीचे जमीन कितनी कर बची है, जमीन निकल चुकी है। प्रश्न तो पूछने का उनसे है कि आपका योगदान मंडी के लिए क्या रहा, और आप बतौर हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में बैठते हैं और वहां पर आपके सामने मंडी की यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का फैसला होता है, मंडी के शिव धाम को तबाह करने को रोकने का फैसला होता है, आपके ही डिपार्टमेंट से संबंधित मंडी के डिग्री कॉलेज का भवन जो 27 करोड़ की लागत से बन करके खड़ा तो है, लेकिन उसको पूरा करने मुकम्मल करने के लिए फैसला होता है कि उसका काम बंद कर दिया जाए। ऐसे एक नहीं, मंडी में एयरपोर्ट का होना, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने फैसले होते रहे कि उनको बंद करने, और किस मुंह से आज वो मंडी के विकास की कहानियां सुना रहे हैं, किसे सुना रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा विजन जानते हैं तो विजन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करें, पहले अपने घर से शुरुआत करते तो अच्छा रहते। उनकी माता जी सांसद 3री बार रही हैं, उनका ही मार्गदर्शन करते। अगर उनका विजन बहुत ज़्यादा है, उनका ही मार्गदर्शन करके वो बोलते कि माता जी मंडी के विकास के लिए ये करना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं करनी चाहिए, शिवधाम बंद नहीं करना चाहिए, एयरपोर्ट का काम शुरू होने वाला है इसको बंद नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप लड़ाई लड़िए, मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली है उसका काम शुरू होना चाहिए था। आज तक मंडी में बहुत सारी चीज़ें, मंडी में 12 पुल जो बह करके तबाह हो गए हैं, उन पुलों को रिस्टोर करना चाहिए। अगर बेहतर होगा कि आप उनका ही मार्गदर्शन करते तो अच्छा होता, बजाय यहाँ पर मंडी के लोगों को आप जो मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं।